मैं राघवेंद्र यादव, क्लास टेंथ के दूसरे चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत आज मैं मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी यह दूसरे चैप्टर का पार्ट वन है, यानी चैप्टर टू का यह पार्ट वन है। तो मानव नेत्र की संरचना में आप कह सकते हैं कि मानव नेत्र एक परिवर्तित फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। अब परिवर्तित फोकस दूरी क्या होता है? तो परिवर्तित फोकस दूरी वह फोकस दूरी होती है जो यह नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को घटा या बढ़ा सकता है। यानी मानव नेत्र ऐसा नेत्र होता है जो अपनी फोकस दूरी को बढ़ा या घटा सकता है। तो इसमें सबसे पहले यह जान लीजिए कि मानव नेत्र का जो गोला होता है वह एक अपारदर्शी झिल्ली के द्वारा ढका होता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। तो पहला दृढ़ पटल है कि मानव नेत्र का जो गोला होता है वह एक अपारदर्शी झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग का झिल्ली होता है, जिसे हम कोराइड कहते हैं। अब कोराइड का काम क्या होता है? कोराइड प्रकाश किरणों को परावर्तन की घटना से बचाती है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से कोराइड बचाता है। और इसके बाद कार्निया है, मानव नेत्र में कार्निया है, तो यह उभरा हुआ जो भाग है, इसे हम कार्निया कहते हैं। और यहीं से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है, यानी कार्निया से ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है। अब कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम आयरिस कहते हैं। आयरिस का क्या काम होता है? तो आयरिस वस्तुओं के रंग को बताती है कि यह वस्तु किस रंग का है। अब आयरिस जिस झिल्ली में पाई जाती है उसी में एक छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं, या इसे एक और नाम नेत्र तारा के नाम से जाना जाता है। इसका क्या काम होता है? तो जो नेत्र तारा होता है वह आयरिस के बीचों बीच में एक छिद्र होता है, जो आयरिस का ही एक भाग कह सकते हैं होता है। जब प्रकाश किरणें इस पर पड़ती हैं, तो जब अंधकार में आप जाते हैं उस समय यह नेत्र को फैला देता है, यानी मांसपेशियों को फैला देता है, और जब अधिक उजाले में जाते हैं तो उसको सिकुड़ा देता है। यह काम होता है पुतली का। फिर कार्निया के पीछे और नेत्र लेंस के सामने एक द्रव भरा होता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, यानी जो जलीय द्रव होता है उसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। और जलीय द्रव के पीछे एक लेंस पाया जाता है, यह उत्तल लेंस है परिवर्ती फोकस दूरी का, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस इसे कहते हैं। और इसका औसत अपवर्तनांक, यानी इस नेत्र लेंस का जो औसत अपवर्तनांक होता है वह होता है 1.44। और नेत्र लेंस के पीछे एक गाढ़ा जलीय द्रव होता है, जिसे हम काचाभ द्रव के नाम से जानते हैं। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है, यानी इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। हाँ, यह मांसपेशियां हैं, देखिए यहाँ मांसपेशियां लिखा भी गया है, तो यह मांसपेशियों में ही नेत्र लेंस फंसा होता है, तो मांसपेशियों के अंतर्गत ही नेत्र लेंस फंसा होता है। रेटिना क्या होता है? तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना आंख का वह भाग होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। फिर यह है पीत बिंदु। तो पीत बिंदु क्या होता है? तो रेटिना जिस झिल्ली के अंतर्गत पाया जाता है उसके मध्य बिंदु पर पीले रंग का एक बिंदु होता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। अब है अंध बिंदु। तो जहां से प्रकाश सिराएं आंख में प्रवेश करती हैं
वहां प्रकाश का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से मानव नेत्र यानी मानव नेत्र की संरचना यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो के साथ। पार्ट टू को प्रेषित कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। यानी इसके पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आज हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। और इस दृष्टि दोष के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वह है निकट दृष्टि दोष। तो आइए जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार और समझेंगे, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार और समझेंगे, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके नीचे आप देख रहे होंगे कि एक टॉपिक और लिखा हुआ है, जरा दृष्टि दोष। तो यह आखिर क्या होता है और यह क्यों हो जाता है और इसके निवारण का क्या उपाय है? तो जैसे जैसे मानव की उम्र बढ़ती जाती है, मानव नेत्र की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और जिसके कारण जो नेत्र लेंस होता है उससे मांसपेशियों की पकड़ कम हो जाती है, जिसके कारण मानव नेत्र में दोनों प्रकार की कमियां आ जाती हैं, अर्थात निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाता है। तो इसका निवारण क्या है? तो इसके निवारण के लिए द्वि फोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऐसा लेंस जिसमें अवतल लेंस भी हो और उत्तल लेंस भी हो। तो इस चश्मे में ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस और नीचे के हिस्से में उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो एक बार और समझेंगे जरा दृष्टि दोष को। जब मानव की उम्र अधिक हो जाती है उस समय मानव नेत्र यानी जो नेत्र होता है, नेत्र लेंस होता है, उसकी पकड़ मांसपेशियों से कम हो जाती है यानी ढीली हो जाती है, जिसके कारण दोनों प्रकार के दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। इसके निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस प्रयुक्त किया जाता है, यानी लेंस ऐसा प्रयुक्त किया जाता है जिसमें अवतल भी हो और उत्तल भी हो। और इस प्रकार के लेंस में ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस और नीचे के हिस्से में उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। पार्ट थ्री, तो जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म क्या होता है और इसकी अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक फिगर देख रहे हैं, यह फिगर ए बी सी यानी यह इसी को हम प्रिज्म कह रहे हैं। तो आखिर यह प्रिज्म होता क्या है? तो सबसे पहले प्रिज्म जानिए कि प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल कांच के पृष्ठों से घिरा होता है और इन कांच के पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। जैसे देखिए यह समतल पृष्ठ है, एक पृष्ठ है ए बी, दूसरा पृष्ठ है ए सी और यह दोनों पृष्ठ इसी कोण पर ए कोण पर एक दूसरे से घिरे हुए हैं और इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कह रहे हैं और इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण, जिसे हम प्रिज्म कोण भी कहते हैं। तो एक बार और समझेंगे प्रिज्म को। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर घिरे होते हैं, इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ और इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। तो यहाँ देखिए प्रिज्म में समझेंगे कि प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। यहाँ से एक प्रकाश किरण P से चल रही है,
यहां Q पर आ रही है और यहां से फिर ऐसे प्रिज्म से होते हुए R बिंदु तक जा रही है, फिर R से जिस कोण पर यह I बना हुआ है उसी कोण पर I डैश से यह प्रकाश की किरण निकल जाती है। और यहां यदि हम एक लंब खींचें AB पृष्ठ पर, तो एक लंब यह AB पृष्ठ पर है, फिर यदि हम AC पृष्ठ को माने और AC पर एक पृष्ठ खींचे तो दोनों का कटान बिंदु E है और यहाँ इस कोण को I और इस कोण को I डैश कह रहे हैं, इस कोण को हम R और इस कोण को R डैश कहा जा रहा है। और यह डेल M यानी इस रेखा को और आगे बढ़ाएं और पुनः इस रेखा को भी आगे बढ़ाएं तो इन दोनों का जो कटान बिंदु है वहां एक कोण बन रहा है जिसको हम डेल M कह रहे हैं, डेल M। और अल्पतम विचलन कोण को दर्शाएगा, डेल M अल्पतम विचलन कोण को दर्शाएगा। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र होता है वह होता है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल M बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो यह तो अपवर्तनांक के लिए सूत्र हो गया, कौन सा सूत्र होता है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल M बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अगर अल्पतम विचलन कोण की बात की जाए तो अल्पतम विचलन कोण के लिए जो मान होता है वह होता है n इज इक्वल टू, अल्पतम विचलन कोण की बात की जाएगी तो साइन यहां से हट जाएगा, उस स्थिति में a प्लस डेल M बाई टू अपान a बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा, यहां आएगा n इज इक्वल टू a प्लस डेल M अपान a। इसको जब हम हल करेंगे तो डेल M की जो वैल्यू आएगी वह आएगी n माइनस वन इंटू ए, तो यह वैल्यू आ गया डेल M का, डेल M इक्वल टू n माइनस वन इंटू ए। तो यह अल्पतम विचलन कोण का सूत्र है। तो पार्ट थ्री में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं राघवेंद्र यादव क्लास टेंथ में फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत दूसरे पार्ट का यानी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का चौथा वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। इसमें आज हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे और इसके उदाहरण क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब कोई पदार्थ किसी विशेष रंग की प्रकाश को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करता है तो इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी मान लीजिए कि वायुमंडल में धूल के कण, छोटे छोटे कण उपस्थित हैं, तो उन कणों के द्वारा किसी विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित किया जाता है तो इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो एक बार और समझेंगे, जब किसी पदार्थ के कणों के द्वारा किसी विशेष रंग की प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है और पुनः उसको उत्सर्जित किया जाता है तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकाश प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण भी हैं, तो कुछ उदाहरण है जिसको हम बताएंगे और आप भी इसको सुनेंगे तो कहेंगे हाँ ये तो होता है। तो पहला उदाहरण है आकाश तथा समुद्र के जल का नीला दिखाई देना। पहला क्या उदाहरण है, आकाश तथा समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, तो नीला तो दिखाई देता ही है। दूसरा बरसने वाले बादल का श्वेत दिखाई देना, यानी जो बादल बरसने वाले होते हैं वह श्वेत रंग दिखाई देते हैं। तीसरा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ यानी लाल दिखाई देना। आप देखते होंगे सूर्योदय जब होता है या जब सूर्यास्त होने वाला होता है उस समय सूर्य का रंग विशेष रंग का होता है, यानी एकदम लाल रंग का होता है, एकदम रक्त के रंग का हो जाता है। चौथा उदाहरण है इसका कि खतरे के चिन्ह का यानी खतरे के निशान का लाल रंग का होना, यानी कहीं भी आप देखते होंगे कि खतरे का जो चिन्ह बनाया जाता है वह लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। पांचवा है, पांचवे में आप कह सकते हैं कि धुंध अथवा कोहरे में इंफ्रारेड फोटोग्राफी का संभव होना,
यानी धुंध हो या कोहरा हो उसमें इंफ्रारेड फोटोग्राफी लिया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।